हाय फ्रेंड्स मैं मोहित एक और वीडियो के साथ uh, ये चार बाइनोकलर्स जो आप देख रहे हैं बेसिकली uh, एक छोटा सा डिस्कशन है uh, हम नॉर्मली बर्ड वॉचिंग वगैरह के लिए कोई भी बाइनोकलर चूज़ कर लेते हैं विच इज़ ऑल राइट लेकिन एस्ट्रोनॉमी के लिए बायनोकलर्स क्या अच्छे हैं मैंने पास वीडियोज़ में बहुत बार एक्सप्लेन किया है मेरे पास आज भी फ़ोन आते हैं तो लोग uh, जानना चाहते हैं दोबारा जिन्होंने मिस किया वो वीडियो की बायनोकुलर एस्ट्रोनॉमी के लिए क्या सूटेबल है ना अगर लें तो कौन सा लें सेवन बाई फिफ्टी लें या टेन बाई फिफ्टी लें सेवन बाई फिफ्टी का मतलब हुआ कि सेवन एक्स पावर सेवन टाइम ऑब्जेक्ट पास आता है और फिफ्टी एम एम लेंस का डायमीटर टेन बाई फिफ्टी की बात करें तो टेन एक्स पावर टेन टाइम्स ऑब्जेक्ट पास आता है नेकेड आई से जो देखते हैं और फिफ्टी एम एम लेंस का डायमीटर एक चीज़ याद रखिएगा कि सेवन बाई फिफ्टी में जो एग्जिट प्यूपल होता है बायनोकुलर का आ, वो 50 डिवाइडेड बाय 7, 7 एम mm होता है 10 बाय 50 में जो एग्ज़िट पीपल होता है 50 डिवाइडेड बाय 10 जो कि 5 एम mm होता है दिन के वक़्त एग्जिट पीपल इतना मैटर नहीं करेगा लेकिन नाइट में एक स्ट्रगल होती है आइस को और हमारी हैं उनका जो प्यूपल है वो डायलेट करता है वो डायलेट करता है फैलता है तो अगर आप चालीस के ऊपर हैं तो मैक्सिमम पाँच एम एम का जो एग्ज़िट uh, प्यूपल है उतना ही वहाँ तक ही जाता है लेकिन अगर आप यंग हैं बीस से तीस की एज ग्रुप में हैं बीस से तीस बत्तीस की एज ग्रुप में है तो छः सात तक जाता है तो उसमें सेवन एम एम एग्ज़िट प्यूपल का आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है कम एग्जिट प्यूपल वाला बाइनाकुलर आपको ज़्यादा ब्राइट इमेज देता है आ, ये चीज़ें अपार्ट टेन एक्स पावर थोड़ी सी ज़्यादा है सेवन एक्स पावर थोड़ी सी कम है सेवन बाई फिफ्टी एरिया ज़्यादा कवर करेगा और टेन बाई फिफ्टी एरिया थोड़ा सा कम कवर करेगा लेकिन ऑब्जेक्ट ज़्यादा पास दिखाएगा क्योंकि ये बाइनोकलस में बेसिकली हमारा पर्पस नहीं है कि प्लैनेट्स को पास से देखना उसके लिए तो टेलीस्कोप ही आपको चाहिए तो लेकिन टेलीस्कोप का बड़ा नैरो फील्ड ऑफ व्यू होता है और अगर आपने स्टार्ट करना है मैंने कई बार बताया कि आप एक बाइनोकलस से स्टार्ट कीजिए फिफ्टी एम mm, एम Uh, ज़्यादातर मैंने टेन बाई फिफ़्टी बोला है लेकिन सेवन बाई फिफ़्टी भी उतना इफेक्टिव है क्योंकि सेवन बाई फिफ्टी में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उसकी पावर बड़ी नॉमिनल uh, है मॉडरेट है सेवन एक्स जो कि शेक नहीं होती है और हैंड होल्डेबल है और जब हम एस्ट्रोनॉमी करने निकलते हैं तो आ, कम पावर से चीज़ें ज़्यादा वाइड फील्ड ऑफ व्यू वाली चीज़ें हमें आराम से दिखाई देती हैं हमारे हाथ भी जो हैं होल्ड कर लेते हैं क्योंकि रिम्बर जो भी वाइब्रेशन होती हैं हैंड्स की वो भी मैग्नीफ़ाई हो जाती हैं जितनी पावर है आ, जितने ऑप्टिकल जूम का लेंस है बाइनोकुलर में तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है और जब आपने एस्ट्रोनॉमी करनी है आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बाइनोकुलर्स हाथ में पकड़ने पड़ सकते हैं आपके हाथ थक सकते हैं उसके लिए आपको इंश्योर करना है कि एक थ्रेडेड बाइनोकलर एडाप्टर वाला होल हो बाइनोकलर के फ्रंट में ताकि अगर आपके पास कोई भी कैमरा ट्राईपॉड है उसमें आप लगा के लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन कर सकें चार बानोकलर्स हैं आ, ये रोयो ब्रांड सेवन बाई फिफ्टी ये चारों मैंने टेस्ट किए इसमें जो डिफरेंट बाइनोकलर्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ये वाला है सेवन बाई फिफ्टी Uh, इसकी जो बॉडी है बड़ी सॉलिड है और पॉलीकार्बोनेट वाली बॉडी है और वाटरप्रूफ में है और सेवन बाई फिफ्टी है और इसके जो ऑप्टिक्स मैंने देखे तो ये फुली मल्टी कोडेड हैं वाटर प्रूफ हैं बैक फोर प्रजेंस में है और लेंस कैप साथ में ही लगी हुई आती है तो खोने का डर नहीं है आई रिलीफ भी इसका डिसेंट है वेट में ये सबसे हैवी है करीब एक किलो इसका वजन है तो ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादातर टाइम तक हैंड होल्ड करना चाहते हैं तो आपको तो एक ट्राईपॉड एडवाइजेबल है कि आप लें इसके जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही शार्प थे सबसे ज़बरदस्त शार्प व्यूज़ शायद इसी बनाकलर के थे और नीरेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो मेरे ख़्याल छः या सात मीटर में ये फ़ोकस कर लेता है तो उस लिहाज से भी ये इसमें बेस्ट है इन चारों बैनोकलस में दूसरा हम ये आ, कोनस का टेन बाई फिफ्टी हमने ट्राई किया इसका आप देख रहे हैं जो देखने वाला आई पीस है वो छोटा है अगर आप इससे कंपेयर करें दोनों में बहुत फ़र्क है आ, और इसकी जो कोटिंग्स हैं वो कोटेड हैं ये बिल्कुल मुझे सेलेस्टॉन अपक्लोज़ टेन बाई फिफ्टी की याद दिलाता है बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है Uh, क्योंकि कई बार सेलेस्टॉन के मानोकल्स अवेलेबल नहीं होते इजीली तो से एक नया ब्रांड है हमने कहा ये भी ट्राई करते हैं ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी का है होली कोटेड ऑप्टिक्स में है अच्छे शार्प यूज़ हैं कोई इसमें डिसटिस्फैक्शन नहीं है आ, लाइट वेट भी है इससे बहुत लाइट है ये करीब साढ़े सात सौ ग्राम के आसपास होना चाहिए जो नीरेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस मेरे ख्याल से इसमें नौ या दस मीटर के आसपास होगा इससे ज़्यादा है लेकिन एस्ट्रोमी के लिए जनरल साइट सीइंग के लिए एक बढ़िया बजट में पायनोकलर है तीसरे नंबर पर जाएँ तो ये बाइनोकुलर कैमोफ्लाश कलर में बहुत ही खूबसूरत कलर में है इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये डस्ट कैप्स जो है साथ में लगी हुई हैं आई रिलीफ इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा करीब 18 मिलीमीटर mm मीटर का आई रिलीफ है तो जो लोग स्पेक्स वेयर करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा बाइनोकुलर है इसके भी आप आई पीस देख रहे हैं इससे भी ज़्यादा बड़े हैं और ये भी फुली मल्टी कोटेड प्रिज्म मुझे लगे हालांकि ये बी के सेवन में है और येलो वाला बैक फोर में था आ, अगर व्यूज़ ये टेन एक्स पावर में है टेन बाई फिफ्टी अगर व्यूज़ की बात करूँ तो बहुत ही शार्प व्यूज़ देता है हालांकि बी के सेवन है लेकिन क्योंकि इसकी मल्टी कोटिंग्स हैं फुली मल्टी कोटेड में है ये तो इसकी जो इमेज है वो काफ़ी ब्राइट है ये भी थोड़ा भारी है करीब नौ सौ ग्राम के आसपास आप मान के चलिए लेकिन अच्छी बिल्ड है इसकी और आई रिलीफ अच्छा है फुली मल्टी कोटेड ऑप्टिक्स हैं कैप साथ में लगे हुए के रहे हैं ब्यूटीफुल कैमोफ्लाज कलर है अगर आपको लेना हो हमारी वेबसाइट इंडिया बनाकला शॉप डॉट कॉम पे सारे लिस्टेड हैं चौथे पे जाएँ तो सेलेस्ट्रॉन ने डिसपॉइंट नहीं किया एक अच्छा कॉमेट्रॉन के नाम से आ, मुझे ऐसी मेरी पर्सनल फील है जो कॉमेट्रॉन सीरीज सेलेस्ट्रॉन ने निकाली हैं उसमें कोटिंग्स थोड़ी सी इम्प्रूव की है आ, हल्की सी इम्प्रूवमेंट है क्लोज से और जो विजुअल इम्पैक्ट है अब क्लोज से थोड़ा मुझे बेटर लगता है और कॉमेट्रॉन इसका स्ट्रैप भी मोटा है जो मैंने पुराने वीडियो में दिखाया था और लाइट वेट है करीब पौने आठ सौ ग्राम के करीब इसका वजन है टेक्निकली अगर मैं बात करूं लाइट वेट है इनमें सबसे ज़्यादा लाइट वेट शायद यही है ये भी आठ मीटर तक फोकस करता है मिनिमम आठ मीटर तो बर्डिंग के लिए भी ठीक है बजट में है और वाटर नहीं है बैक फोर नहीं है बी में आता है ग्लासेस uh, ठीक है uh, आप कह सकते हैं कि अच्छे ठीक से कोटेड हैं मल्टी uh, कोटेड आप कह सकते हैं और सब में कैप्स इस तरह की लगी हैं रिमूवेबल आप इसको माउंट कर सकते हैं ट्राईपॉड पे और बेस्ट तरीका जो फोकस करने का होता है वो बेसिकली अपने चेहरे के हिसाब से अपनी आइज़ जो इंटरप्यूपलरी डिस्टेंस है लेडीज़ का थोड़ा कम होता है बच्चों का कम होता है उस हिसाब से आपने इसको फोल्ड कर लेना है या फोल्ड को थोड़ा सा अंदर फोल्ड कर लेना है और जब बिल्कुल आइज़ के सामने सट जाए उसके बाद ये लेफ्ट आई एडजस्टमेंट और ये राइट आई एडजस्टमेंट जो मैंने कई बार बताया दोनों से आप करेंगे तो काफ़ी शार्प आएगी बजट में है ये बाइनोकुलर कोनेस की आ, ये दोनों बॉनोकलर्स की बात अलग है ये दोनों डिफरेंट लीग में आते हैं और ये दोनों आप कह सकते हैं पैरल है हालाँकि वो कॉमेट्रॉन का सेवन बाई फिफ्टी है तो एस्ट्रोनॉमी में आपको फायदा ये रहेगा कि अगर आप का नाइट स्काई अच्छा है क्योंकि स्काईज डिफरेंट हैं अगर आप देहरादून में हैं ले लद्दाख में हैं इनफैक्ट देहरादून और लद्दाख का स्काई अलग होगा हिमाचल का और दिल्ली का स्काई अलग होगा हिमाचल का चंडीगढ़ का स्काई अलग होगा लोनावाला का और मुंबई का स्काई अलग होगा हैदराबाद का चेन्नई का स्काई अलग होगा बैंगलोर का अलग होगा सबका एक मैग्नीट्यूड होता है आ, जो ऑब्जेक्ट्स की जो ब्राइटनेस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें मैग्नीट्यूड एक मापदंड है आ, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को मेजर करने का सन uh, की अगर बात करें करीब माइनस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी uh, फाइव बहुत ब्राइट है तो वो माइनस में है uh, और अगर प्लस में मैग्नीट्यूड है तो उसका अंदर वो ऑब्जेक्ट डिम है अगर मैं एंड्रोमीडिया गैलेक्सी की बात करूं तो वो प्लस 3.4 है uh, दिल्ली का जो स्काई है वो करीब प्लस फोर के आसपास रहता है तो एंड्रोमीडा कायदे से उसमें कभी कभी देखी जा सकती है हालांकि बहुत मुश्किल है लेकिन अगर आप नाहन पे जाएंगे या लेह लद्दाख पर जाएँगे तो वो वैसे ही विजिबल हो जाएगी ऐसे ही एम थर्टी थ्री गैलेक्सी ट्राइंगुलम उसका मैग्नीट्यूड करीब फ़ाइव या फाइव के आसपास है वो दिल्ली से विजिबल करना मुश्किल है लेकिन पहाड़ी इलाके से विजिबल करना या गांव से फॉरेस्ट से आ, वो विजिबल हो सकती है बायोकुलर से हम एस्ट्रोमी कर सकते हैं एक स्टार्ट पेनोकलर से करना चाहिए बहुत ही अनकॉम्प्लेक्स और सिंपल तरीके से हैंड बल तरीके से आजकल मोबाइल पे ऐप्स हैं स्काई मैप स्काई व्यू उससे आप लोकेट करके ऑब्जेक्ट और एरिया आपको बहुत ज़्यादा मिलता है आप दो आंखों से देखते हैं तो बहुत ही ब्रॉड एरिया आपको मिलता है स्काई का तो अगर आप अच्छे स्का, डार्क स्काइज़ में हैं तो कॉन्सुलेशन पूरी ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टार क्लस्टर्स हैं निब्यूल हैं गैलेक्सीज भी इसके स्कोप में हैं प्लैनेट्स भी आप पकड़ सकते हैं हालांकि वो छोटे डॉट ही नज़र आएंगे आ, उसके लिए आपको टेलीस्कोप चाहिए होंगे और टेलीस्कोप कल को आप लेते हैं तो आप पहले से ही रेडी हो गए जब आप बायनोकुलर से एस्ट्रोनॉमी कर चुके हो और बायनोकुलर आपको ढूंढ के देगा टेलीस्कोप से पहले ईजीली ऑब्जेक्ट स्काई में तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया इसको लाइक कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर नाइन एट डबल नाइन टू वन डबल टू डबल टू और नाइन फाइव सिक्स ज़ीरो सिक्स एट हमारी वेबसाइट इंडिया मायनोकलस शॉप डॉट कॉम उस पर यह आइटम्स आप ले सकते हैं मायनोकलस टेलीस्कोप तो यहाँ हैं डिफरेंट वैरायटी के सेलेस्ट्रॉन की सारी रेंज है कोई आपको बात करनी हो क्वेरी करनी हो तो मुझे आप कांटेक्ट कीजिए थैंक यू